सो हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग एक मेरिट लिस्ट आपके सामने मेरे स्क्रीन पे दिखता होगा दोस्तों। ये मेरिट लिस्ट सेंट जेवियर्स कॉलेज का है। सेंट जेवियर्स कॉलेज या सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी और सेंट जेवियर्स कॉलेज अपना एक स्टेटस रखता है पूरे कोलकाता में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में। दोस्तों ये सेंट जेवियर्स कॉलेज का जो कट ऑफ लिस्ट है उससे आपको कुछ कुछ सीखने को चीज़ मिलेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके कॉलेजेस में भी हो सकता है। सबसे पहले तो जैसा कि आपको मेरिट लिस्ट दिखता हो, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। और दोस्तों ये मेरिट लिस्ट कैसे बनाया गया है, तो जो मेरिट लिस्ट है आउट ऑफ 100 इसको बनाया कैसे गया है, तो 75% बेस्ट ऑफ 4 लिया गया है एग्रीगेट में। एग्रीगेट जो परसेंटेज है उसका 75% लिया गया है, 75% लिया गया है। 12.5% वेट दिया गया है इंग्लिश को लेकर के और 12.5% वेट दिया गया है मैथ्स को। तो आप लोगों में जिनका मैथ्स था, आप लोगों ने जेवियर्स में अप्लाई किया होगा, तो आपका जो कट ऑफ आया है जेवियर्स का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड जेवियर्स ने कैसा लिस्ट निकाला है, सीबीएसई का अलग, वेस्ट बंगाल का अलग, आईएससी का अलग, या फिर एक साथ लिस्ट निकाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और बाकी आपके कॉलेजेस में क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सारे कॉलेजेस के अपडेट सारा मैं आपको देता रहूँगा। दोस्तों आईएससी के लिए फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ जेवियर्स में गया है 92.5 फॉर बोथ कॉमर्स एंड आर्ट्स। वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल के लिए कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए 80% गया है। दोस्तों यहां से आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी आप लोग घबरा जा गए थे अपना मार्क्स देख करके। मैंने आपको पहले भी कहा था, यूनिवर्सिटीज़ को भी पता है कि वेस्ट बंगाल में बच्चों को कम मार्क्स दिया गया है, तो आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे सीयू में भी जो कॉलेजेस अपना लिस्ट निकालेंगे वो वेस्ट बंगाल के बच्चों का अलग और सीबीएसई आईएससी का अलग। आईएससी अगर कोई बच्चा साइंस एंड इको स्ट्रीम से है तो 94%, वेस्ट बंगाल बोर्ड और इको स्ट्रीम से है तो 83%, सीबीएसई कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 94.5। देखिए सीबीएसई का कट ऑफ और ज़्यादा गया है, 94.5, आईएससी का 92.5, सीबीएसई का 94.5, और वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ दिया गया है 80%। दोस्तों वेस्ट बंगाल का कट ऑफ अलग, सीबीएसई का कट ऑफ अलग, और भी जितने भी अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं उनका कट ऑफ अलग। तो वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ गया है वह है 80%। दोस्तों अब आप यहां से सोच सकते हैं कि जेवियर्स जैसे बड़े कॉलेज में अगर कट ऑफ 80% जा रहा है, बच्चे गोइंका में लेना चाहते हैं या फिर अदर जो सीयू के अंदर कॉलेजेस हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली 82-85% 90% अगर आपका मार्क्स है तो वहां पर एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों